मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पटना के बीच वंदे भारत चलें। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सहूलियत के लिए दिल्ली से मुजफ्फरपुर, दरभंगा के साथ गया और पटना शहर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। त्योहार पर उत्तर बिहार के रेल यात्री वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन में सफर का मजा ले सकते हैं। दीपावली और छठ के मौके पर दिल्ली से बिहार के लिए 4 वंदे भारत या अमृत भारत पूजा स्पेशल चलाने की तैयारी रेलवे कर रहा है। ये दोनों गाड़ियां बिहार की पटरियों पर कब से दौड़ेगी, रेलवे बोर्ड ने फिलहाल ये तय नहीं किया है। इसमें एक सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है। स्टोरी कंटिन्यूड बिलो एडवर्टाइजमेंट। त्योहार पर नई दिल्ली से बिहार, खासकर मुजफ्फरपुर और दरभंगा बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में उत्तर बिहार आने वाली ट्रेनें ओवरलोड होती हैं। सामान्य रिजर्वेशन में टिकट मिलना तो दूर तत्काल टिकट भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सहूलियत के लिए दिल्ली से मुजफ्फरपुर, दरभंगा के साथ गया और पटना के बीच एक वंदे भारत या अमृत भारत त्योहार स्पेशल चलाने की तैयारी की है। इसे लेकर संबंधित जोन को रेलवे बोर्ड की ओर से तैयारी करने को कहा गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि रेलवे की ओर से नहीं की गई है। सीतामढ़ी से LTT के बीच मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। मुजफ्फरपुर रेलवे ने सीतामढ़ी और लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच जोड़ी विशेष ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया है। ये ट्रेन शुक्रवार से 2 फरवरी 2025 तक चलेगी। विशेष ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 13 व साधारण के 7 सहित 22 कोच होंगे। पूर्व KCPRO सरस्वती चंद्र ने बताया कि 05585 सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को रक्सौल से 4 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक शाम 4:55 बजे खुलेगी। वापसी में 05586 सप्ताह के प्रत्येक रविवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से शाम 4:35 बजे खुलेगी।